ये टाटा की 3118 BS4 क्यूमिंस इंजन का गाड़ी है, 12 टायरा डंपर गाड़ी है और इसमें कैमशाफ्ट का फोल्ड कोड आ रहा है बार बार। तो हमने जब इसको स्कैन किया तो कैमशाफ्ट का जो फोल्ड कोड था, ये वाला फोल्ड कोड था 778 कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर डेटा इंटरमिटेंट और इनकरेक्ट, मतलब कैमशाफ्ट का जो सेंसर है वो पकड़ छोड़ कर रहा है। तो उसको हमने जब चेक किया तो वायरिंग में चेक करने से एक में अर्थिंग और एक में 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज जा रहा था, लेकिन सिग्नल स्टार्ट करने पे सिग्नल भी आ रहा। होता क्या था कि फोल्ड कोड को जब हम क्लियर कर देते थे तो क्लियर होने के बाद जब गाड़ी स्टार्ट करते थे तो लंबा सेल लेती थी और उसके बाद फिर यही फोल्ड कोड आ जाता है। तो जब इसको हमने कैमशाफ्ट के सेंसर को निकाला तो ये दिखाई दिया। सेंसर को जब हमने बाहर निकाला तो निकालने के बाद ये रगड़ मारा हुआ है, ये यहाँ पे घिस रहा था। कैमशाफ्ट का जो चक्कर है वो यहाँ पे घिस रहा था। ये टाइमिंग प्लेट में फिक्स जगह पे लगा रहता है, ये आगे पीछे नहीं होता है। लेकिन कैमशाफ्ट का जो पट्टी होता है, कैमशाफ्ट का जो 13 नंबर के 2 बोल्ट वाली पट्टी होती है, वो घिस जाती है तो कैमशाफ्ट अंदर बाहर होके, मतलब कभी गैप बढ़ जा रहा था कभी गैप घट जा रहा था इस तरह से। ये जो कैमशाफ्ट में प्ले हो गया है, अंदर दबा, इसके वजह से पेचकस लगाओ, इसके वजह से जो हमारा कैम का बार बार फोल्ड कोड आ रहा था, इसके वजह से आ रहा था, अंदर दबा। ये इस तरह से होने की वजह से हमारा कैम सेंसर का फोल्ड दिखा रहा था, जिसके वजह से गाड़ी लेट स्टार्ट होने का। ये जो कैमशाफ्ट का सेंसर है, बस कैमशाफ्ट का सेंसर है, इसी चक्कर के जस्ट पीछे पंप के नीचे लगा हुआ है पीछे की तरफ से, तो उसका गैप ये बाहर आने से गैप बढ़ जाता है और अंदर जाने से गैप घट जाता है। ज़्यादा दूर आने से भी समस्या हो रही थी और ज़्यादा अंदर जाने से भी उसका गैप कम हो जा रहा था और ज़्यादा भी हो जा रहा था, इसीलिए इसका कैमशाफ्ट का बार बार फोल्ड दिखा रहा था। तो इसका हम कैमशाफ्ट का ये जो खांचा है वो बड़ा हो गया है और ये पट्टी कट गई है, ये जो कैमशाफ्ट को रोक के रखती है, तो कैम भी बदली करना पड़ेगा हमको और साथ साथ में ये पट्टी भी बदली करनी पड़ेगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा गियर जो होता है वो इस सेंसर पे लग के घिस गया है, सेंसर थोड़ा घिस गया है, तो नया सेंसर हमने मंगाया है और नया सेंसर इस तरह से दिख रहा है, एकदम लेवल है, ये देख रहे हैं, इस तरह से लेवल होना चाहिए। उसकी जगह ये पुराना वाला है, घिस चुका है। तो अब हम कैमशाफ्ट का पट्टी और साथ में ये सेंसर, ये नया उसकी जगह लगा देंगे और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और गाड़ी को हम जाने देंगे।